गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCET ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 103 जो कि क्लास 9th ले है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 14 मार्च 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर वाई डू वी फॉल इल का रिविजन कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपको दे रखा है डिसीज़ रेफरेंस टू एनी कंडीशन। डिसीज़ क्या होते हैं? वो कोई भी कंडीशन जो कि हमारे नॉर्मल फंक्शन सिस्टम को डिस्टर्ब करे या मॉडिफाई करे, या नॉर्मल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो कोई भी सिम्टम होता है। वो आपको खांसी हो रही है तभी आप कह सकते हैं हमें आपको बुखार वगैरह है। जो सिम्टम होते हैं वो एक डिफाइंड इंडिकेशन देते हैं कि हमें कौन सा डिसीज़ है, कौन सी बीमारी है। अब डिसीज़ शॉर्ट टर्म भी होते हैं, जैसे कोल्ड आपको बुखार है, कफ है, खांसी है। लॉन्ग पीरियड भी हो सकते हैं जो कि ज़्यादा टाइम तक चले, जैसे डायबिटीज़, कैंसर। दिस में भी और ये जो डायबिटीज़ हैं, कैंसर हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी आपकी मौत तक कर सकते हैं, यानी से डेथ हो सकती है। अब पर्सन की पुअर या गुड हेल्थ उसकी डिसीज़ फ्री पे डिपेंड रहता है, यानी उसे डायग्नोस बार बार सेम टाइम पर लेनी चाहिए। वैन डू वी से पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़? अब हम कब कह सकते हैं कि किसी इंसान को बुखार डिसीज़ है, बीमारी है? जब उसकी फंक्शन जो पार्ट है बॉडी का वो डिस्टर्बड हो, जब उसे सिम्टम्स दिखें जैसे हेडेक यानी सरदर्द, कफ यानी खांसी, फीवर, बुखार, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, फिट्स अपेयर्स इन अ पर्सन, यानी जो दोहरे होते हैं उनसे डिसीज़ का पता चलता है। अब डिसीज़ के साइन क्या हैं? दे गिव मोर डिफाइंड इंडिकेशन ऑन अ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़। दिस साइंस में बी रिवील सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, लेबॉरटरी टेस्ट। अब आपने देखा है अल्ट्रासाउंड होता है, लेबॉरटरी टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो जिससे हमें किसी डिसीज़ का साइन पता चल जाता है कि अगर आपको कोरोना है तो आपको खांसी होगी और शरीर गर्म होगा। तो खांसी और जुकाम है तो कोरोना के सिम्टम्स है, तो साइन हमें किसी भी डिसीज़ के पता चल जाते हैं। अब डिसीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, यानी डिसीज़ किससे होता है? पैथोजन से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म। अगर हमारी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है और हमें नरिशमेंट सही से नहीं मिल रहा तो होगा। हेरिडिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कोई जेनेटिक बीमारी चल रही है, यानी अगर आपकी दादी को है तो आपको भी होगा, ऐसे भी होता है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, इम्यूनाइजेशन है, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है आपको डिसीज़। सिम्टम्स क्या हैं डिसीज़ के? सिम्टम्स डिसीज़ के हैं दैट वी फील एज बींग रॉन्ग और अनवेल, सच एज कोल्ड, कफ, हेडेक, लूज मोशन एटसेट्रा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ। वट वैन वी कैन से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़? हेल्थ को डिफाइन करिए और कब हम कह सकते हैं कि एक पर्सन डिसीज से सफर है, सॉरी। तो आप लिखेंगे यहाँ से वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़ वैन फंक्शन, जब हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन डिसीज़ से सफ़र है जब उसके फंक्शनिंग पार्ट हैं वो डिस्टर्बड हो, उसे हेडेक सिम्टम्स हो, फीवर हो, लूज मोशन हो, तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है इज़ बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिसीज़ फ्री सेम, यानी अगर आप हेल्दी हैं तो आपके तीनों एस्पेक्ट्स फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली आप वेल बींग होनी चाहिए। एंड डिसीज़ फ्री यानी आप हेल्दी नहीं है बट आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ये सेम नहीं है। आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, बींग हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री इज़ नॉट सेम, बिकॉज एक हेल्दी पर्सन डिसीज़ फ्री रह सकता है बट डिसीज़ फ्री पर्सन हेल्दी नहीं रह सकता। थर्ड क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ क्या हैं? तो सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ ये इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें दैट फील कराते हैं कि हम रॉन्ग हैं, अनवेल हैं, जैसे हमें कोल्ड है, कफ है, हेडेक है, लूज मोशन है, तो हम वेल बींग नहीं हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसीज़? तो कॉजेज क्या हैं? अभी हमने पढ़े पैथोजेंस है कॉजेज, वायरस, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ, हमारी पुअर हेल्थ, हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारे कॉजेज हैं डिसीज़ के। तो आप यहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हैं, ये पूरा बॉक्स। देन आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।